पंचतंत्र की कहानियों के दो चरित्र आपको जरूर याद होंगे। पहला रंगा सियार, यानी वो जो धोखेबाज होता है या धूर्त होता है, और दूसरा बगला भगत, यानी ढोंगी या पाखंडी। आज अगर इन दोनों चरित्रों को मिलाकर एक नाम देना हो तो वो नाम होगा तालिबान, जो धोखेबाज तो है ही ढोंगी भी है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना जो चरित्र पेश किया है वो इस बात का ढिंढोरा पीट रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता का दूसरा वर्जन भी पहले वर्जन की फोटोकॉपी है। न तो तालिबान की सोच में कोई परिवर्तन हुआ, न बर्ताव में। लेकिन इस बार तालिबान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं है। इसीलिए हमने आज रंगा सियार बने तालिबान की चिकनी चुपड़ी बातों का रियलिटी टेस्ट किया है, जो अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 का आईना है। 20 साल नली में रखने के बावजूद दो चीजें कभी सीधी नहीं हो सकती, जिसमें दूसरी चीज है तालिबानी सोच। जिसका इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। 20 साल पहले के तालिबान और आज के तालिबान में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। तालिबान ने सिर्फ आईना बदला है, चेहरा नहीं। बहुत ही अदवर शाम के मौखाम राफा खराब में थे कि बस नफे सुलो सुबह तरफ अफगानिस्तान में दाने में तमाम जहातों मुकाबिल कमरों मदर मुकाबिल बुदा आज अलिफ तो यो हम आफस। तालिबान दिखाना चाहता है कि वो कितना नरम दिल है, लेकिन वो वास्तव में कितना पत्थर दिल है ये दुनिया देख भी रही है और सुन भी रही है। तालिबान कह रहा है कि उसने सभी को आम माफी दे दी है, तो फिर ये क्या हो रहा है? सड़क पर चलते लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें तालिबानी राज का एहसास दिलवाया जा रहा है। तालिबानी लड़ाके सड़कों पर रॉकेट लॉन्चर और AK-47 लेकर घूम रहे हैं और सरकार के लिए काम कर चुके लोगों को घरों से निकाल निकाल कर सजा दे रहे हैं। काबुल में तालिबानियों के आ जाने के बाद हर कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा है और तालिबानी उन्हें गोलियां मार रहे हैं, लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो अफगानिस्तान में अमन चैन लेकर आएगा, सभी अफगानों को साथ लेकर चलेगा। डॉक्टर साहब अब्दुल्ला कोशिश में करें कि हम अफगान जम शो मैं नहीं खाएँ हिच रहबर अफगानिस्तान हिच खसे कि जो बर मरदम खुद एक इरादे खिदमत दौरा और या दर मरदम खुद जाय जायगाह दौरा उनहा नादीदा गिरफ्तार। तालिबान के मुंह से ऐसी बातें हजम नहीं होती। बताइए, तालिबानी प्रवक्ता इंटरनेशनल मीडिया के सामने तालिबान की अमन पसंद छवि बनाने में जुटे हैं और बाहर तालिबानी लड़ाके अपनी हुकूमत का जश्न कुछ यूं मना रहे हैं और अफगानिस्तान को आग लगा रहे हैं। और तालिबान का सबसे बड़ा झूठ तो रह ही गया, जरा सुनिए तालिबानी प्रवक्ता कैसे अफगानिस्तान में महिलाओं के हक की वकालत कर रहा है। वो कह रहा है कि महिलाओं को उनके अधिकार देगा। زودتر اداد دولتی بیشتر فعال خواهد شد، تمام کارمندا خواهد آمد آمدن به شمول اوناس انشالا بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجه فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش تبابت، در بخش تعلیم و تربیه، در بخش پلیس، در بخش سالندوالی، در بخشای مختلف جامعه خانمها نیاز است، ضرورت جامعه است برشان تنظیم خواهد شد. مطلب کچھ بھی कहने में क्या जाता है, करना तो वही है जिसके लिए तालिबान जाना जाता है। जो तालिबान पोस्टर तक में महिलाओं का चेहरा नहीं देख सकता वो बात कर रहा है महिलाओं के हक की। शहर नाउ एरिया ऑफ काबुल व्हेन देयर इज नॉट तालिबान एंड द गवर्नमेंट विद द प्रेसिडेंशियल अशरफ गनी देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द पीपल सो दे हैव अ वेडिंग and the some young generations come here this is the he dresses for the woman so there is a lot of pictures of the woman so when the Taliban capture it the Kabul city and they come here and control of the Kabul this pictures from the this shops clearly
painting by the same people, by the shop people, by the same Talibans. You see it in the picture. तो जिस तालिबान को पोस्टर पर महिलाएं पसंद नहीं हैं, उन्हें वो घर से बाहर निकलता कैसे देख सकता है? अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को अफगानिस्तान ने अपना बंधक बना लिया है। वो बल्ख प्रांत की गवर्नर थी। टीवी न्यूज चैनल्स पर महिला न्यूज एंकरों को तालिबान ने हटा दिया है और तालिबानी लड़ाके स्टूडियो में बैठकर न्यूज पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं का घर से बाहर कदम रखना तक दुश्वार हो गया है, फिर चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां ही हों या अफगानिस्तान की महिला सांसद। So as an MP, as a female, as a someone who is coming from civil society activism and human rights, women rights activism. So coming from these background, for sure I'm afraid of myself, my life, and my freedom to work and my freedom to speak up. ये गवाहियां, ये तस्वीरें, ये क्रूरता, ये हैवानियत और गोलियों की तड़तड़ाहट, हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, तालिबान, तालिबान है। वो न कभी बदला था, न बदला है और न कभी बदलेगा। आज तक ब्यूरो।